नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस राज्य सरकार ने 9वीं से 12वीं के छात्रों की फीस में 40% की कटौती की है? ए राजस्थान, बी बंगाल, सी उड़ीसा, डी मेघालय। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नवगछिया शहर के मेन रोड एवं स्टेशन रोड में लगा रहा जाम। नवगछिया शहर में बुधवार को पूरे दिन जाम की स्थिति बनी रही। शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाने के कारण आसपास के इलाकों से खरीदारी करने आए ग्राहकों एवं यात्रियों को काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने बताया कि शहर में नो एंट्री के बाद भी बड़ी वाहनों के प्रवेश होने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हुई है। इसके साथ ही शहर की सड़कों पर ही ठेला पर सब्जी विक्रेताओं द्वारा सब्जी बेचा जाता है, जिसका कारण जाम की स्थिति और भयावह हो जाती है। बुधवार को शहर का स्टेशन रोड, मेन रोड, महाराजी चौक तक जाम लगा था। जाम रहने के कारण लोगों को महाराजी चौक से स्टेशन जाने में 1 घंटे से भी अधिक का समय लग रहा था। जाम के कारण करवा चौथ को लेकर खरीदारी करने आए बाजार लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। शहर के लोगों का कहना है कि शहर में जाम की समस्या आम हो गई है। शहर में जाम ना लगे इसको लेकर शहरवासियों ने अस्थायी समाधान किए जाने की। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। दिन भर कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेते रहे प्रत्याशी। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण संपन्न होने के बाद गोपालपुर विधानसभा के विभिन्न प्रत्याशी बुधवार को सुबह अपने कार्यकर्ताओं के साथ दिन भर बैठकी करते रहे और विभिन्न पंचायतों का फीडबैक लेते रहे। राजद के प्रत्याशी शैलेश कुमार अपने नवगछिया स्थित आवास पर दिन भर कार्यकर्ताओं से घिरे थे और अलग अलग पंचायतों से आ रहे रुझानों को एकत्रित कर रहे थे। शैलेश कुमार ने सभी मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि लोकतंत्र के महापर्व में महागठबंधन पर भरोसा जताने के लिए सबों का सदा आभारी बना रहूंगा। चुनाव जीतने के बाद निश्चित रूप से गोपालपुर विधानसभा के विकास को बाधित नहीं होने दूंगा। वहीं निवर्तमान विधायक व एनडीए के प्रत्याशी नरेंद्र कुमार नीरजू गोपाल मंडल भी दिनभर कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहे और विभिन्न पंचायतों से रुझान को एकत्रित करते रहे। विधायक के पीए मुन्ना जायसवाल ने बताया कि समाज के सभी वर्गों में नीतीश कुमार के कानून के राज में भरोसा किया है, तो विधायक द्वारा क्षेत्र में किए गए कई तरह के विकास कार्यों के बदौलत एक बार फिर से नरेंद्र कुमार नीरज पर ही भरोसा किया है, उनकी जीत सुनिश्चित है। वहीं दोपहर बाद चिराग पासवान के चुनावी सभा में शामिल होने को निकल गए लोजपा प्रत्याशी। सुबह होते ही लोजपा प्रत्याशी सुरेश भगत अपने कार्यकर्ताओं से घिरे हुए थे। पुराने कार्यकर्ताओं से प्रखंड और पंचायत स्तर पर हुए मतदान की संभावनाओं की जानकारी ली। दोपहर बाद लोजपा प्रत्याशी रूपौली में होने वाले चिराग पासवान की सभा में सम्मिलित होने के लिए रवाना हो गए और देर शाम तक वे रूपौली विधानसभा क्षेत्र में वहां के लोजपा प्रत्याशी के लिए प्रचार अभियान में शिरकत करते रहे। प्राइवेट शिक्षिका के हत्या मामले में पिता ने कराई गोपालपुर थाने में हत्या की प्राथमिकी। गोपालपुर थाने के गोसाई गांव की प्राइवेट शिक्षिका दीक्षा झा के संदेहास्पद मौत मामले में उसके पिता रंगरा निवासी मदन मोहन मिश्र ने गोपालपुर थाने में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में मृतका की सास आशा देवी और पति मनीष कुमार झा को नामजद किया गया है। मृतका के पिता वयोवृद्ध मदन मोहन मिश्र ने कहा कि 2 नवम्बर को फोन से सूचना मिली थी कि गोसाई गांव में उनकी पुत्री दीक्षा ने फांसी लगा ली है। जब वे अन्य परिजन के साथ गांव पहुंचे तो वहां पर देखा कि आंगन में दीक्षा का शव पड़ा हुआ है और उसके गले पर काला निशान है। जब दीक्षा के ससुराल वाले उनकी सास और उनके पति मनीष से पूछताछ की तो उन लोगों को किसी भी प्रकार का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। मदन मोहन मिश्र ने कहा है कि अक्सर उनकी पुत्री दीक्षा रंगरा में ही रहती थी। ससुराल वालों के प्रताड़ना से आजीज होकर वह अपने ससुराल जाना नहीं चाहती थी, लेकिन इस बार दशहरा में दीक्षा के पति मनीष उसे बहला फुसला कर गोसाई गांव लेकर चले गए। श्री मिश्र ने
आशंका व्यक्त करते हुए कहा कि मनीष कुमार और उसकी मां आशा देवी ने एक साजिश के तहत उनकी पुत्री दीक्षा की हत्या फांसी लगाकर कर दी है। मदन मोहन मिश्र ने कहा कि उनकी पुत्री जब भी ससुराल जाती थी तो मनीष अपने मां के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट भी करता था। दीक्षा आकर शिकायत करती थी कि वह मनीष को ऐसा न करने की हिदायत देते थे तो मनीष आग बबूला होकर कहता था कि अभी तो मामूली रूप से मारपीट की गई है, आए दिन में दीक्षा की हत्या भी कर सकते हैं। दीक्षा की बहन भागलपुर निवासी निभा कुमारी ने बताया कि उसे 2 नवंबर को सूचना मिली कि दीक्षा की हालत खराब है और उसका नौगछिया के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वो आनंद फानन में नौगछिया के निजी अस्पताल पहुंचे तो वहां से सभी जा चुके थे। जब दीक्षा के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों से पूछताछ किया तो पता चला कि दीक्षा की हत्या फांसी लगाकर कर दी गई है। वहीं मृतका के बहन ने कहा कि अभी भी दीक्षा का पुत्र यश कुमार उसके ससुराल वालों के कब्जे में है। उसे आशंका है कि कहीं उसके मासूम बच्चे के साथ भी किसी प्रकार की घटना को अंजाम ना दे दे। गोपालपुर थाने के थानाध्यक्ष कुणाल आनंद चक्रवर्ती ने कहा कि मामले में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, पुलिस अनुसंधान में जुट गई है। माँ को कहती थी आकर के यहाँ यहीं पर 1-2 महीने रहती थी। जब गोसाई गांव नहीं जाना चाहती थी लेकिन 18 अक्टूबर को यहाँ से उसके पति जबरदस्ती लेकर के चलो दुर्गा पूजा है, दुर्गा पूजा में आकर के पूजा करना, हम ठीक हो जाएंगे। प्रायः मैंने गैस्ट्रिक, आपको क्या आशंका है, आपने क्या मतलब केस फाइल किया है, आपका क्या कहना है इसके बारे में? और मेरा दावा है कि उसकी सास जिसका नाम आशा कुमारी आशा देवी और पति मनीष कुमार था, दोनों ने साजिश के तहत उसको मर्डर किया है, दोनों ने हत्या कर दिया है। आप क्या क्या गुहार लगाते हैं, आप क्या एसपी से? मैं गुहार लगाता हूँ कि उचित कानूनी कार्रवाई करने की, बच्ची के साथ इंसाफ हो। अभी तक आपने मामले की किसको जानकारी दी है? गोपालपुर थाना अध्यक्ष प्रभारी। अभी तक मामले में किसी की गिरफ्तारी या कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई कार्रवाई हुई है? हमको नहीं मालूम, बोला कल करेंगे। फॉरेंसिक रिवा कुमारी, मेरा घर तिलका मांझी भागलपुर है। मेरी छोटी बहन की दीक्षा जिसकी हत्या कर दी गई है गोसाई गांव में, यहाँ हम लोग को बड़ी दीदी के माध्यम से मालूम हुआ कि उसका किसी ने मतलब हत्या कर दिया फांसी लगा कर। लेकिन उसके बाद जब हम लोग दीक्षा को फ़ोन लगाए या उसके हस्बैंड को फ़ोन लगाए, कोई किसी का फ़ोन नहीं लगा, हम लोग को और डर हो गया कि कुछ सही में बात हो गया है। उसके बाद मेरी बहन बेटी एक और है उस घर में, उसको मोना को लगाए फ़ोन, वो भी फ़ोन नहीं उठाए। 3-4 बार के बाद वो फ़ोन की कि ऐसे ऐसे घटना हुई, लेकिन अभी कुछ हुआ नहीं है। अभी उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाके यहाँ ले जा रहे हैं, आप लोग आइए। हम लोग बोले कि आ रहे हैं, हम लोग देखने के लिए वहीं पर रहने देना, हम लोग आएंगे वहाँ पर देखने के लिए। लेकिन जब हम लोग वहाँ एक भी जाके यहाँ पहुँचे तो लोग वहाँ से लेके उसको चले गया था घर। तो उसके बाद हम लोग गोसाई गाँव पहुँचे तो वहाँ देखे उसको, जब देखे पूछे उससे क्या हुआ है कैसे हुआ, तो वो लोग बताए कि फांसी दुपट्टा से लगा के लग गई थी हम लोग का। अब क्या मांग करते हैं प्रशासन से, क्या मांग करते हैं आप? प्रशासन से उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए, उन लोग को सजा दिया जाए, हाँ सख्त से सख्त सजा मिले। नौगछिया शहर और रंगरा में आज विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित। नवगछिया के मकनपुर चौक स्थित विद्युत शक्ति उपकेंद्र में कुछ आवश्यक कार्य किए जाने के कारण आज गुरुवार को नवगछिया शहरी क्षेत्र और रंगरा क्षेत्र अंतर्गत रंगरा मदरौनी और मुरली में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उक्त जानकारी विद्युत विभाग के कनीय अभियंता प्रशांत निधि सिंह ने दी है। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट, घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स,
सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड रेडियम बोर्ड नेम प्लेट नंबर प्लेट ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट गौशाला रोड पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043-67-170। पूर्व मुख्यमंत्री के निधन पर शोक। पुलिस जिला नवगछिया व खगड़िया जिले के सीमावर्ती क्षेत्र सतीश नगर निवासी सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सतीश प्रसाद सिंह के निधन पर नारायणपुर में सर्वदलीय नेता एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों ने शोक संवेदना व्यक्त किया है। सतीश बाबू के पौत्र पत्रकार सुशांत सिंह कुशवाहा व पूर्व मुखिया पृथ्वी चंद्र सिंह ने बताया कि एक सप्ताह पूर्व उनकी पत्नी ज्ञान कला देवी का निधन दिल्ली में हुआ था। पत्नी के निधन के बाद सदमे में बीमार हो गए थे। परिजनों द्वारा दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही रविवार को उनका निधन हो गया। नवगछिया, बोले परमेश्वर झा, निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव एक अच्छे लोकतंत्र की है कुंजी। नेशनल सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के तत्वाधान में नवगछिया प्रखंड के तेतरी पंचायत के उत्तर पूर्व टोला में वरिष्ठ नागरिक की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता महासचिव परमेश्वर झा ने किया। बैठक के दौरान मंगलवार को हुए विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए पुलिस एवं प्रशासन के द्वारा की गई तैयारी पर प्रकाश डाला गया एवं शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष मतदान को लेकर पुलिस प्रशासन की सराहना की। परमेश्वर झा ने बैठक के दौरान कहा कि प्रजातांत्रिक देश के लिए मतदान आत्मा है। स्वतंत्र निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव एक अच्छे लोकतंत्र की कुंजी है। नवगछिया के पकरा में बिजली के तार गिरने से लगी आग, 3 घर जले। नवगछिया थाना क्षेत्र के पकरा गांव में बिजली की तार गिरने से घर में आग लग गई। इस आग लगी में 3 लोगों का घर जल गया है। देर रात स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया था। आग में छट्टू सिंह, प्रकाश मिस्त्री, कैलाश सिंह, वाल्मीकि शर्मा का घर जल गया। आग में 1,00,000 रुपये का घरेलू सामान सहित 20,000 नगदी भी जलकर राख हो गया है। आग लगने की सूचना पर राजपा नेता संजीव कुमार सिंह उर्फ झाबो, गौतम सिंह, राजीव कुमार वह अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिन्होंने बाल्टी में पानी भरकर आग पर फेंक कर आग पर काबू पाया। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। नवगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड रेडियम बोर्ड नेम प्लेट नंबर प्लेट ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट गौशाला रोड पुरानी गैस ऑफिस के सामने नवगछिया। मोबाइल 7295830773 93043-67-170।